नमस्कार दोस्तों, आज भारत के उन तमाम राज्यों ने भी अपनी सहमति दोस्तों दे दी है और जितने भी दोस्तों महाराष्ट्र हो गए यहाँ पे, या तेलंगाना हो गया, या यूपी हो गया, या आपका दोस्तों कर्नाटक हो गया, भारत के तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी ये कह दिया दोस्तों साफ कि लॉकडाउन की डेट बढ़ाई जानी चाहिए। सिचुएशन दोस्तों काबू में नहीं है और इसको देखते हुए दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसकी डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। चलिए दोस्तों पहले इस क्लिप को देखते हैं। सरकार के सूत्रों के हवाले से ANI ने खबर दी है कि कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार इस बारे में सोच रही है। तो इससे दोस्तों साफ जाहिर हो गया जो मैंने अपनी कल लास्ट वीडियो में बता दिया था। दोस्तों मैंने कल आपको पूरा फैक्ट समझा दिया था कि सच में आपका एग्जामिनेशन जो होने वाला था दोस्त वो नहीं हो सकता। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। अंडर कंट्रोल होता तो 100% हो सकता था। ना ही दोस्तों आप चाहते हो, ना ही मैं चाहता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए। ना ही दोस्त हम ऐसा चाहते हैं कि नहीं जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे सब निकल जाए। हम तो बस ये चाहते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। लेकिन दोस्त आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। जो सोशल मीडिया पे एग्जामिनेशन को लेकर डेट और आपके दोस्तों पास परसेंटेज को लेकर जो अफवाह चल रही है इनसे बचना आपको बहुत जरूरी है। बाकी दोस्त आज की इस वीडियो में वो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ दोस्त इस वीडियो को पहले तो अंत तक देखना, हो सके तो हर बार की तरह इस वीडियो को भी प्यार देना। सबसे पहले दोस्त मैं कहना चाहता हूँ NIS वाले स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे उनका बहुत बड़ा मैटर है क्योंकि ओपन स्कूल है, पूरे भारत का सबसे बड़ा ओपन स्कूल। यहाँ पे NIS का जो दोस्त एग्ज़ाम होने वाला था वो अप्रैल में होने वाला था, सब जानते हैं ये, है ना। 3-4 अप्रैल से उनके ऑलमोस्ट मेन एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे जो कि पोस्टपोन्ड हो गए। यहाँ पे दोस्तों CV शर्मा जो कि यहाँ पे हेड है NIS के, उन्होंने दोस्त साफ कहा कि टिल 14 अप्रैल तक सारे एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड किए जाते हैं। इसके बाद की डेट्स जो मेरे दोस्त, इसके बाद भी तो एग्जाम्स होने वाले हैं, मान लो 16, 17, 18, 19, 20, इसके बाद भी तो एग्जामिनेशन है। अब उन एग्जाम्स का क्या मेरे दोस्त, वो सर जितने भी एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं आई थी, बस इतना कह दिया कि 3 हफ्ते तक एग्जामिनेशन नहीं होगा। लेकिन आपको मैं यहाँ पे कुछ क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, आजकल दोस्तों यूट्यूब, मैं जानता हूँ दोस्त इन मुद्दों को मीडिया दिखाने वाला नहीं है, मीडिया जब नहीं दिखाएगा तो यूट्यूब पे कुछ दुकानें खुल जाएंगे जो आपको अपने आप में, कहते हैं ना कि इमोशन से खेलना, तो दोस्त वो जानते हैं। दोस्त कुछ वेबसाइट है जो फेक यहाँ पे डेटशीट अपने वेबसाइट पे अपलोड करके ट्रैफिक लेना चाहती है। और दोस्त इस समय जब अपने घर पे सब लोग बैठे हैं तो सब फोन में लगे हुए हैं और 100% दोस्तों चांस है उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने का। मैं दोस्त हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ ऐसे लोगों से, किसी बच्चे के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर यहाँ पे सरकार को पता चलता है दोस्त, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है दोस्त उनके पूरे करियर खराब ना हो जाए। तो इन वेबसाइट से बचकर रहे जो ऐसा कह रहे हैं। NIS के एग्जाम दोस्तों उन्होंने अपने आप ही कहाँ से अपनी डेटशीट बना दी और मई में एग्जाम्स नेशन हेल्ड करने की बात कर रहे हैं। दोस्त ये बिल्कुल टोटली फेक है। NIS की जो हेड ऑफिस है उन्हीं के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में क्लिप दिखाऊंगा और दोस्तों जो बात हुई है सर से, CV शर्मा जी से, दोस्त वो मैं सब आपको पूरा समझाने वाला हूँ। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। वी आर वेरी वरीड, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्पेशली द सेक्रेटरी एजुकेशन श्री अमित खरे जी इज वेरी कंसर्न अबाउट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। सडनली द स्कूल्स द कॉलेजेस हैव बीन शट डाउन एंड ऑल द चिल्ड्रन आर इन होम्स। नाउ लेट मी शेयर अ फ्यू ऑफ द प्लेटफॉर्म्स दैट वी हैव क्रिएटेड सो दैट चिल्ड्रन do not feel isolated or feel that their time is being wasted. Government of India had created a SWAM platform where we have put all educational material content from school education right up to PhD level. All students who are at home, school students or college students, are invited to log into swam.gov.in, swam.gov.in, to study whatever material they want, whether they are school students pursuing secondary or senior secondary, elementary school students or college students, PhD students, engineering students, medical students. Government of India started working on it 5 years back and we have all the material available on the SWAM platform. Well, Professor Saab, you gave a very, very detailed information and something that is available pan-India, free of cost, and it is up to the education for one and all. So everybody is now being covered, from junior school to senior school to higher senior secondary school. So everyone who has been covered. But, sir, one important point is the delay, because the delay that it has caused
it is like a domino effect that everything else will be delayed. The admission, the new session that usually begins in April, how exactly are you planning to cope up with that? The exams are not happening. Some state governments have taken upon themselves to promote the students to the next classes, the next year classes. How exactly will you deal with delay? Look, secondary and senior secondary, that is class 10 and 12, some states are still holding the board exam, which will be held. Now, CBSE had to postpone about 7 days of their examination. The National Institute of Open Schooling had to completely postpone the exams because we were yet to start on 24th. Now, we will start, we will conduct the examinations. I am in discussion. I have discussed with the Honorable Chairperson of CBSE, Sri Anita Karwalji. She has promised that as soon as the situation normalizes, she will give time and organize the remaining exams. We will both, the CBSE and NIOS and other boards, will conduct the exams, and evaluation will be done at a very fast pace, and we will declare the results in the minimum possible time. Now, we have also received requests and messages that children are worried about their admission to the higher education institution. Already, Secretary of Higher Education, Sri Amit Khareji, has taken note of it, and he is working on it that universities, the colleges will start admission only when the boards are able to declare results. And those children who are desirous of going abroad and taking admission, we are quite conscious of that. The admissions abroad start sometime September, October. We will give them results quite in advance to take admission even in institution abroad. Now, let me assure, assessment evaluation is not a concern. The government is concerned about it, taking note of and working on it. We are all working, discussing over Skype and video conferencing, and we are conscious that we have to give result to students so that they take admission not only in institution in India, across the states. Like, see, if a student from Andhra Pradesh or Kerala or Bihar wants to take admission in Delhi University, Delhi University will accordingly fix his date so that children of all boards will be accommodated. There is absolutely no reason to panic. It's a global problem, a national problem, and the Honorable Prime Minister himself is taking views of all. I am sure we will postpone the date for admission to higher education institution. There should be absolutely no panic. The only concern should be that children, the learners, the students, while they are at home, they should pursue education, should not waste all their time, and all the material is available. So there is no reason to postpone their studies. Studies should not be postponed. Examination assessment is our concern. एग्जाम डेट जो है वो पता चल गया क्या? 15 अप्रैल के बाद एग्जामिनेशन होगा। दोस्त, आज की कैबिनेट बैठक के बाद ये डिसाइड हो गया है कि अब आपका एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, बस आपको वेट करना है ऑफिशियल नोटिस की। लेकिन दोस्त, मैं आपको इतना बता देता हूँ, श्योर हूँ मैं, 100% श्योर हूँ आपका एग्जामिनेशन 15 अप्रैल के बाद नहीं होने वाला। दोस्त, सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने साफ कहा है कि लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए। अब ये एक्सटेंड होने का मतलब है एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन हुए थे 15 अप्रैल के बाद होने के लिए वो तो नहीं होंगे। मेरे दोस्त, यहाँ तो बिल्कुल साफ कि 30 अप्रैल तक आपके कोई भी एग्जाम्स नहीं होने वाले, कोई भी एग्जाम्स नहीं होने वाले 30 अप्रैल तक। बात आता है कि मई में जो एग्जामिनेशन, उन सब का क्या होगा? दोस्तों, उन सब के रिगार्डिंग थोड़ा आपको वेट करना होगा। मैंने आपको कहा था कि प्रिपरेशन स्टार्ट रखना, उसमें कोई भी आप थोड़े कहते हैं कॉम्प्रोमाइज मत रखना, प्रिपरेशन स्टार्ट रखो। लेकिन 30 अप्रैल तक कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि भारत के अंदर दोस्त 30 अप्रैल तक के लिए ये लॉकडाउन बढ़ाने की बात चल रही है। दोस्त, आज ही भारत के प्रधानमंत्री के पास दोस्तों ये सुझाव गया है, उनका मोहर लगा, जाने की एक्सटेंड हो गया, क्योंकि 30 अप्रैल तक कोई भी एग्जाम्स नहीं होंगे। NUS का हो या CBSE का हो या DUSL का हो या यहाँ पे IGNOU का हो या जितने भी स्टेट बोर्ड्स हों। क्लियर है दोस्त? यहाँ पे अब आपको भ्रम में नहीं रहना। प्लीज़ इसी चैनल को दोस्तों फॉलो करते जाना। आपको हमेशा दोस्त मैं ऑथेंटिक नॉलेज देता हूँ, फेक न्यूज़ और फेक फैक्ट्री से बचकर रहना है, चाहे कोई भी यहाँ पे चल रहा है उन सब के पास। दोस्त, यहाँ पे CBSE ने कल नोटिस जारी करके बोल दिया कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा जो फेक रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे फेक जो
न्यूज फैला रहे हैं, सीबीएसई ने दोस्तों कल साफ कह दिया, तो उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जो इस तरह के कुछ काम कर रहे हैं। तो प्लीज सावधान रहे ऐसे लोग, और ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। ऐसा करने से आप तो अपनी दुकान चला ही रहे हो, लेकिन वो बच्चे दो आपके इमोशन में आके आपके उन वीडियोस पे आके बहक जाते हैं, तो दोस्त ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर एग्जामिनेशन नहीं होता है तो प्रमोट का सिस्टम यहाँ पे बेटर रहेगा। अब प्रमोट में भी दोस्तों काफ़ी सारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन क्यों ना मैं इस पर थोड़ा डीपली बात करूँ। यहाँ पे अगर प्रमोट किया जाता है तो किस क्राइटेरिया पे किया जाएगा, वेस क्या होगा? दोस्त अगर मैं एनएस वाले बच्चों की बात करूँ यहाँ पे, तो उनका प्रमोट करने का एक जरिया हो सकता है TMA, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। दोस्तों उसी के बेस पे यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है, वरना दोस्त ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ये मैं मुहिम चला रहा हूँ ताकि बच्चे का ये साल खराब ना हो जाए, कम से कम वो उनको प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, चाहे यहाँ पे बोर्ड CBSE हो या DUSL हो या कोई सा भी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड दोस्त, बहुत सारे बोर्ड है भारत के अंदर, अगर मैं आपको कुछ फैक्ट की बात बताऊं यहाँ पे, दोस्त मैं बात करूंगा यहाँ पे ब्रिटेन की, स्कॉटलैंड की, स्कॉटिश की, जर्मनी की, और दोस्त मैं बात करूंगा यहाँ पे न्यूयॉर्क की, कैलिफोर्निया, यहाँ पे आपका सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया दोस्त, ये सारे कंट्री, जापान हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया दोस्त, यहाँ पे आपका रसिया होगा, इन सभी कंट्री का दोस्तों डीपली अध्ययन करके बैठा हूँ भाई मैं आप सबके लिए। इन सभी कंट्री के अंदर इंटरनल वेस को अपनाया गया, और जिस कंट्री मेरे दोस्तों जिस कंट्री, ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं है जहाँ पे इंटरनल नहीं होता, इंटरनल में कुछ ना कुछ तो होता ही है। हाँ बात आती है यहाँ पे DUSL वाले बच्चे, अगर दोस्तों मैं NS वाले बच्चों को बोलूँ कि TMA जिन्होंने दिया उनको पास कर दिया जाए, और जिन्होंने नहीं दिया उनको TMA देने का मौका दिया जाए, काम खत्म दोस्तों, TMA ऑनलाइन सबमिट होता है, ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाए, साफ बात हो जाएगी। लेकिन दोस्त ये मेरे अपने सुझाव है, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है दोस्तों, भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए, और सब कुछ ठीक होने के बाद आपका एग्जामिनेशन फिर से हो जाए, मैं तो दोस्त आपको तैयारी करवाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी एग्जाम की तैयारी खुद करवाऊंगा अपने मेन चैनल मनीष वर्मा LPA चैनल पे। लेकिन बस साल खराब ना हो, आपकी टेंशन दूर हो, इसलिए दोस्त मैं बस ऐसा सुझाव दे रहा हूँ ताकि आप सब रहें। बात आती है जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो क्या करेंगे, उनको परसेंटेज इतनी मिलेगी भी दो, जिनकी 90-90 परसेंटेज आने वाले हैं उनके कहीं 70% पे ना रह जाए, तो दोस्त ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला भाई, टेंशन मत लो आप। अगर आपके एग्जामिनेशन हो गए हैं तो आपके उसी बेस पर 90% बन सकते हैं, क्योंकि दोस्त टीचर्स एग्जामिनेशन तो समझ सकते हैं, जो बच्चा 3-4 एग्जाम्स में अच्छा कर सकता है वो ओवरऑल में अच्छा कर सकता है, आया समझ में? और दोस्त ये प्रमोट का जो मैं बात कर रहा हूँ इस समय दोस्त, वो मैं NUS बोर्ड और CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और स्टेट बोर्ड्स की, यहाँ पे DUSL और IGNOU यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल की बात दोस्त अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी कोई भी नोटिस अभी नहीं है, बस एग्जाम डेट ये है कि 30 अप्रैल के बाद एग्जामिनेशन होने वाले हैं बस दोस्त, बाकी और भी नोटिस आएगा तो मैं आपको जरूर दूंगा। बस फेक न्यूज़ से बच कर रहें, अगर फेक आपको कुछ मिलता है तो प्लीज़ दोस्त उसको शेयर बिल्कुल भी ना करें, और उसके खिलाफ जरूर कंप्लेन करें। दोस्तों कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता इस समय, मैं जानता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं, मैं आपके साथ हूँ, ये पूरी कंट्री सरकार का साथ दे रही है, हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। लॉकडाउन के कारण तो भाई हम कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन पे कोई डिसीजन लो, है ना, बाकी दोस्त 30 अप्रैल तक कोई एग्जाम्स नहीं होंगे, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड होने वाला है, क्योंकि दोस्त अगर डायरेक्ट ये खत्म हो भी नहीं सकता, फेस बाय फेस खत्म करना होगा इसको। आपको बता दिया कि जो क्राइटेरिया क्या होगा, इंटरनल बेस दोस्त यहाँ पे है मेन, जिनका इंटरनल बेस नहीं है उनको दोस्त और क्राइटेरिया निकाल के कुछ किया जाएगा, लेकिन आप घबराए बिल्कुल भी ना दोस्त, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है, और ये जाहिर सी बात है कि हमको बिल्कुल पैनिक नहीं करना, अपनी पढ़ाई करते चलना है, और एग्जामिनेशन की जब कन्फर्म डेट होगी, देखो कन्फर्म डेट सरकार के हाथ में होता तो कर देती, मेरे हाथ में होता तो मैं बता देता, किसी के हाथ में नहीं है ये, अब भाई ये तो इसके खुदा मालिक है, भगवान मालिक है भाई, जब ये कंट्रोल में हो गया तो दोस्त सब ठीक हो जाएगा, और 100% दोस्तों फाइनल डेट्स भी आ जाएगी, बस अब इतना ही है कि एग्जाम्स के टेंशन मत लेना दोस्तों। यहाँ पे HRD मिनिस्टर ने कह दिया कि साल बर्बाद नहीं होने देंगे दोस्त, यहाँ पे CV शर्मा जी ने कह दिया कि पैनिक बिल्कुल भी मत हो, एग्जाम की डेट्स भी बताई जाएगी, अगर जरूरत हुआ तो बच्चों को पास भी किया जाएगा, अच्छे मार्क्स दिया जाएगा दोस्त, इसके कोई पता है, इसमें कोई पैनिक करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आए दो समझ में। तो यहाँ पे CBSE वाले बच्चों की बात आती है, या NUS वाले स्टूडेंट हो गए, या DUSL वाले हो गए, इन सबके एग्जामिनेशन की जो डेट है भाई वो 30 अप्रैल के बाद ही अब है, कुछ भी 15 तारीख को दोस्त ये तो कंफर्म कर देंगे सारे बोर्ड, सभी बोर्ड मिलकर कंफर्म कर देंगे, और एग्जामिनेशन 30 अप्रैल के बाद हेल्ड कर दिया जाएगा, आए दो समझ में। और जिनके एग्जामिनेशन मई में होने वाले थे उनके दोस्तों तय समय पे होने वाले हैं, उनके एग्जाम्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, और दोस्तों कोई भी एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा,
याद रहे एसएल या यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्स कैंसिल नहीं होने वाले, डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है बट कैंसिल नहीं होगा। कंफर्म नोटिस जैसी आती है तो सबसे पहले चैनल पे मिल जाएगा। हाथ जोड़ के विनती करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों पे शेयर करना। मेरे दोस्तों चाहते हो आप कि सरकार इस मुद्दे को सुने एक बार जरा, तो प्लीज़ सब जगह एक बार शेयर कर देना ताकि सरकार के पास वीडियो पहुँच सके और कुछ फैसला जल्द से जल्द हो। अगर दोस्त अगर सरकार प्रमोट नहीं भी करेगी तो प्लीज़ कोई क्राइटेरिया निकाले, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी और जिन्होंने अपनी दोस्त साल खराब के कारण वो जो टेंशन में है उनके लिए भी, और जल्द से जल्द उनको डिसीजन लेके आगे कुछ कर दिया जाए देन पास। दोस्त इस तरीके से हम अपने साल को भी बचा सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। दोस्त और कंट्री के हम अगर बेसिस पे देखें तो हमारे पास दोस्तों इंटरनल चाहे TMA हो चाहे और भी बेस हो दोस्त, उसके बेसिस पे निकालेंगे हम बस। लेकिन अगर डिसीजन लेंगे दोस्तों, अगर कमिटी बैठेगी तभी तो आगे डिसीजन होगा भाई, जब बातें नहीं स्टार्ट करेंगे तो आगे कहाँ से निकलेंगे। आया दोस्त समझ में? तो चलिए दोस्त मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। बाकी दोस्त बने रहिए मनीष वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।